कैटनरी थ्री इक्वेशंस ऑफ कॉमन कैटनरी। पिछले वीडियो में इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको हम बताए थे और इंट्रिंसिक इक्वेशन भी निकाल दिए थे। इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिगर देखिए, वो फिगर आप बनाएंगे और आप लिखेंगे लेफ्ट पी एक्स वाई बी जनरल पॉइंट ऑन द कॉमन कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी लेफ्ट टी एंड टी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल सी बी द टेंशंस एट पी एंड सी रेस्पेक्टिवली। लेट आर्क सी पी इक्वल टू स्मॉल एस देन द इक्विलिब्रियम ऑफ आर्क सी पी देन यहां पर लिख दिए फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सी पी वी मस्ट हैव देखो पी पर ऐसे टेंशन लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टल के साथ साई एंगल बना रहा है, ये टी है। इधर तो इसका कंपोनेंट हो गया टी कॉस साई और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया टी साइन साई। ये जो आर्क लेंथ एस है इसका वेट किधर काम करेगा, नीचे की ओर यहां आप कहां बनाए हम ऐसे दिखा दे रहे हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू एस। ये फोर्स बैलेंस करेगा टी जीरो को और ये फोर्स बैलेंस करेगा इसको। वी मस्ट हैव टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू सी एंड टी साइन साई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एस। डिवाइडिंग भी है, डिवाइडिंग भी है। इस वाले में इस वाले से भाग दीजिए तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन साई अपन कॉस साई टेन साई हो गया, टेन साई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कट गया एस अपॉन सी यानी कि एस इक्वल टू सी टेन साई। ये दोनों क्या चीज है, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इनको कहते हैं, इन दोनों को इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ जनरल आर्क लेंथ। इसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ इंट्रिंसिक इक्वेशन रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, एस और साइज में जो रिलेशन होता है वही इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी। अब इसी से हमको और इक्वेशंस मिलेंगे तो हम पहले निकालने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। ये सब आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार रहे हो तो उतार लीजिए बढ़िया से। ठीक, आगे बढ़ते कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी। ये फिगर हमें चाहिए चाहिए सभी में जब जब हम निकालेंगे इक्वेशन, क्योंकि वर्टेक्स पे हमें इनिशियल कंडीशन बनाना होता है तो ये फिगर रहेगा सभी। तो आप स्टार्ट लीजिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन से कहिए कि हम जानते हैं कि वी नो दैट एस इक्वल टू सी टेन साई, दैट इज एस इक्वल टू सी और टेन साई डी वाई बाई डी एक्स होता है आपको मालूम है,
टेन साई, साई क्या चीज है? जनरल पॉइंट पी पर टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका टेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिवाइड बाय डीएक्स होता है, और डिवाइड बाय डीएक्स को हम स्मॉल पी से डिनोट कर दें सुविधा के लिए, वेयर पी इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू सी dp by dx, और अब ds by dx की वैल्यू आप जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आर्क, ये रिजल्ट टेंजेंट्स नॉर्मल चैप्टर में मिलते हैं, ds upon dx बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू c dp by dx, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू सी डी पी बाई डी एस, वाई डी एस का ही तो आपने टी लिखा है ना। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन विच वेरिएबल्स पी एंड एक्स आर सेपरेबल। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? फर्स्टली वी सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन वी इंटीग्रेट द इक्वेशन। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करें, सी डी पी अपॉन डी एक्स, सॉरी सी डी पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर is equal to dx, integrate करिए। Integrating we get c sin hyperbolic inverse p equal to x plus constant of integration, क्या लिखते हैं? चलो lambda लिख देते हैं, और number दो पे डाला नहीं हमने इसको, number एक constant of integration lambda की value निकालने के लिए हमें initial conditions चाहिए, इनिशियल कंडीशंस दी हुई नहीं है, ये हमें खुद ही वहाँ जनरेट करना पड़ेगा। तो कैटनरी, कॉमन कैटनरी पढ़ते समय इनिशियल कंडीशन की जब भी जरूरत पड़े तो आप वर्टेक्स पर इसको जनरेट किया करिए। तो ये रिलेशन देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी पी अपॉन डी एक्स वाला है, इसका मतलब हमें पी और एक्स में रिलेशन चाहिए। तो सी पर पी कितना होगा, एक्स कितना होगा, आइए पहले हम देखें क्लियरली एट द वर्टेक्स कैपिटल सी एक्स इक्वल टू सी वाई एक्सिस का पॉइंट है तो वहां एक्स जीरो होगा, एंड पी, पी माने डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माने टेन साई, और टेन साई वहां पर कितना होगा, टेन जीरो इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सी पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो साई जीरो होगा, यानी कि वर्टेक्स सी पर एक्स भी जीरो है पी भी जीरो है। इन कंडीशंस को वन पे आप इंपोज करिए, अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू वन, अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू वन, सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जीरो इक्वल टू जीरो प्लस लैम्डा इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जीरो इक्वल टू सी log of 0 plus under root 1 plus 0 square implies that lambda is equal to c log of 1 equal to 0. ये सब derivatives आपको मालूम होना चाहिए निश्चित रूप से, सभी आप पढ़े हुए हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू आ गई नंबर एक, रख दो पुटिंग इट इन वन, पुटिंग इट इन वन वी गेट सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी इक्वल टू एक्स implies that sine hyperbolic inverse p equal to x by c implies that p equal to
साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी दैट इज पी किसको आप माने थे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इम्प्लाइज दैट डी वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी डी एक्स। फिर ये एक्स और वाई वेरिएबल में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स सेपरेबल हैं और वो सेपरेटेड है ऑलरेडी, सिर्फ आपको इंटीग्रेट कर देना है बस। इंटीग्रेटिंग वी गेट y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी प्लस म्यू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी अपॉन वन बाई सी यानी इंटू सी। ध्यान रखना साइन एक्स होता तो उसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता, लेकिन साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx वाला था, यानी y और x में हमें रिलेशन चाहिए c पर, क्लियरली एट c x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू स्मॉल c। आपको मालूम है ना ये हाइट स्मॉल c से डिनोट किया जाता है, उसको पैरामीटर ऑफ द कैटेगरी कहा जाता है। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू टू Applying these conditions to two, we get x zero y c y की जगह c equal to c cos hyperbolic zero plus mu implies that mu equal to c minus c cos hyperbolic zero equal to c minus c equal to zero। कारणों में लिख दे रहा हूँ, since cos hyperbolic 0 equal to e to the power 0 plus e to the power minus 0 upon 2 equals to 1 plus 1 upon 2 equals to 1, cos hyperbolic 0 1 होता है, तो mu की वैल्यू 0 आ गई, इसको 2 में उठा कर रखेंगे, putting it into, substituting it into, जो भी लिखी, putting it into, we have y equal to c cos hyperbolic x by c, this is Cartesian equation of the category, this is the Cartesian equation of common category, common category। अब हम लोग पढ़ेंगे parametric equations of common category। ये फिगर है कैसे, हाँ अब जो फिगर चाहिए उसमें इस डब्ल्यू प्लस किसी की जगह मन करे प्लस भी हटा दो, लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ कॉमन कैटेगरी। शुरुआत हम एक बार फिर वहीं से करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशंस। वी नो दैट एस इक्वल टू सी टेन साई, ये है इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल लगा करके डेरिवेटिव्स को ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू साइन,
वी है डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेट स्क्वायर साई। अब इसकी ब्रेकिंग इंप्लाइज दैट बाय चेन रूल डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेट स्क्वायर साई एंड डी एस अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डी एस अपॉन डी साई को हम ब्रेक किए हैं बाय चेन रूल दो तरीके से, एक में हम एक्स का इस्तेमाल किए हैं, एक में हम वाई का इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में डेरिवेटिव ऑफ आर्क्स करके आर्टिकल है, उसमें कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। उन रिजल्ट्स को, कार्टेशियन वाले रिजल्ट को याद करने के लिए एक ही हम अपरेटस बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं। हाइपोटेन्यूज को डी एस लिखिए, परपेंडिकुलर को डी एक्स लिखिए, बेस को डी वाई लिखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए साई का वो इसी से आप निकालो। साइन साई, कॉस साई, टेन साई है ना, गलत लिख दिए। टेन साई जब कहें तब लगा के गलत है, ये डी वाई होगा और ये डी एक्स होगा। टेन साई बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स, नाउ इट इज करेक्ट। तो वहीं से वैल्यू खींच के ले आइए, यहाँ रखिए। इम्प्लाइज दैट डी एस अपॉन डी एक्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस sec साई, sec साई डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी sec स्क्वायर साई एंड डी एस अपॉन डी वाई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर cosec साई, cosec साई इंटू डी वाई बाई डी साई इक्वल टू सी sec स्क्वायर साई। इम्प्लाइज दैट sec साई कैंसिल हो गया एक, ठीक है भाई, बचा क्या डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल टू सी sec साई एंड इधर की स्थिति क्या रही डी वाई बाई डी साई इक्वल टू सी sec स्क्वायर साई इंटू cosec साई, उधर जाके क्या हो जाएगा साइन साई इक्वल टू सी साइन साई अपॉन कॉस साई इंटू सेक साई। ये सेटिंग देख लो, एक सेक साई को तो सेक साई रहने दिए और एक सेक साई को एक बटा कॉस साई लिख दिए, तो ये बराबर हो जाएगा सी टेन साई सेक साई या सेक साई टेन साई जो भी है। अब इन दोनों दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर, ये दोनों ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के हैं, या एक लाइन और बढ़ा लो। इंप्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू सी sec psi d psi एंड डी वाई इक्वल टू सी sec psi tan psi d psi। ये अब कहिए इंटीग्रेटिंग वी गेट, बहुत ही स्किलफुल स्टेप्स हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेटिंग भी है, इंटीग्रेटिंग भी है एक्स इक्वल टू सी sec साई का इंटीग्रल क्या होगा, सी sec साई का इंटीग्रल साई के रिस्पेक्ट में log ऑफ sec साई प्लस tan साई होगा प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। इसकी नंबरिंग करिए, अभी तक कोई नंबर हमने डाला नहीं था, वन एंड दूसरे वाले में y इक्वल टू सी इसका इंटीग्रल क्या होगा sec साई, ठीक है ना, c sec साई और प्लस c2। नंबर टू, क्योंकि sec साई का डेरिवेटिव sec साई tan साई होता है तो sec साई tan साई का इंटीग्रल sec साई होगा। अब c1 c2 कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन चाहिए, इनिशियल कंडीशंस दी हुई नहीं रहती हैं, वो आपको वर्टेक्स पे जनरेट करना पड़ता है। चलो वर्टेक्स पे चले, एक रिलेशन है x और साई का, एक रिलेशन है y और साई का, यानी x y साई तीन डेटा हमें चाहिए वर्टेक्स पर। क्लियरली
एट द वर्टेक्स सी एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू स्मॉल सी. जब स्मॉल सी कैपिटल सी दोनों लिखे जा रहे हो तो स्मॉल सी जैसा लिखो कैपिटल सी जैसा देख रहे हो. और साई कितना होगा जीरो. समझाए थे क्यों जीरो होगा क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू वन एंड टू we have चलिए रखा जाए x की जगह जीरो इक्वल टू सी log of sec जीरो प्लस tan जीरो साई की जगह जीरो रखिए प्लस सी वन एंड y की जगह स्मॉल c रखिए इक्वल टू स्मॉल c sec जीरो प्लस सी टू sec जीरो वन होगा tan जीरो जीरो होगा. इस प्रकार से ये हो गया जीरो इक्वल टू c log of 1 प्लस जीरो प्लस सी वन एंड सी इक्वल टू सी प्लस सी टू इम्प्लाइज दैट. देखो भैया लॉग वन जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो गया सी वन जीरो हो गया और सी टू भी आप जीरो देख रहे हो. बस इसको वन और टू में रख दो. पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन एंड टू we get इतने में लिख दिया ठीक है ना. x इक्वल टू c log of sec psi प्लस tan psi एंड y इक्वल टू सी सेक्स आई. दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ऐसा जोड़े में इक्वेशन जब भी होता है ना एक्स की वैल्यू किसी वेरिएबल के रूप में और वाई की वैल्यू भी उसी वेरिएबल के रूप में. जैसे यहां पर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ साई वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ साई. देयरफॉर दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ कॉमन कैटेगरी. साई की भूमिका क्या है यहां पर पैरामीटर की. These are parametric equations of common catenary. Come, psi being parameter here. इसके बाद दो तीन equations हम और derive करें. उसके पहले हम जितने इक्वेशन अभी तक निकाले हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे. फिगर हम सब मिटा देना किसी फिगर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तक जितने इक्वेशन मिले हैं हमको उन्हीं से घोर घार के मिक्स करके अगले तीन इक्वेशन हम निकालेंगे. तो इधर साइड में हम सारे इक्वेशन लिख दे रहे हैं. पहला इक्वेशन था एस इक्वल टू सी टेन साई. फिर आया वाई इक्वल टू सी cos hyperbolic x by c. फिर आया x equal to c log of sec psi plus tan psi. और फिर आया y equal to c sec psi. बाकी अब सब मिटा है. अगर कुछ रह गया तो स्क्रीन शॉट ले. और हम हेडिंग डाल रहे हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग एस एंड एक्स. अब ध्यान से देखें एक्स और एक्स में रिलेशन चाहिए. एस की वैल्यू सी टेन साई है और एक्स की वैल्यू सी लॉग करके दिया हुआ है
तो इसको हम ऐसा ना करें सी टेन साइज से शुरू करें। हाँ पहले तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये कितना होगा एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी। अब इसको निकालना अगर आपको तनिक भी इधर उधर उतर गया दिमाग से चित्त से तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ ये सरल तो है ना लेकिन कैसे होना है ये ध्यान रखना मुश्किल है। शुरू वाइज करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन से पहले वाले इक्वेशन से एस इक्वल टू सी टेन साइन ऐसा और दैट इज एस इक्वल टू सी टेन साइन को हम लिख दे रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स और एस तो आई गया। अब एक्स देखो कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाई का मान एक्स के रूप में है तो डी वाई बाई डी एक्स भी एक्स के रूप में आ जाएगा इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स और वाई वाई माने ये सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू सी इंटू वन बाई सी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ध्यान रहे माइनस चेक करना पड़ेगा हाइपरबोलिक फंक्शन इसके फार्मूले अलग होते हैं वो आपको याद होना चाहिए और हाइपरबोलिक फंक्शंस पे अलग से प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध होगा। तो ये सी ए सी कैंसिल हो गया ये बचा तो कुल मिला के आ गया सी इक्वल टू सॉरी एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी ये इक्वेशन हो गया। ओके इसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं रिलेशन इन्वॉल्विंग एस एंड वाई रिलेशन से इक्वेशन लिख लो इक्वेशन इन्वॉल्विंग एस एंड वाई ये आसान है वाई भी एक्स के रूप में है एस भी एक्स के रूप में है एक्स एलिमिनेट कर देंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये एलिमिनेट करना आसान है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वन होता है। समझ गया ना टेक्निक जो मैं करने जा रहा हूं वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू वन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाई सी एस ये क्रम याद रखें YCS, y square equal to c square plus s square, PCS के धुन में याद रखिएगा YCS, एक रिलेशन और आ गया y square equal to c square plus s square। अब हम s और x में हो गया रिलेशन s और y में रिलेशन हो गया अब हम क्या करने जा रहे हैं s x y में रिलेशन निकालने जा रहे उसमें s भी हो x भी हो y भी हो तो देखो हम इससे पढ़ेंगे sec i के माध्यम से y घुस जाएगा और tan i के माध्यम से s घुस जाएगा x i है बेटा था लास्ट टीचर रिलेशन है। वो मैं यहां पहले लिख दे रहा हूं x इक्वल टू c log y प्लस s बाई सी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एस एक्स वाई है ना एस एक्स वाई तो इसके लिए हम तीन इक्वेशंस कंसीडर करने हैं उन्हीं तीनों की खिचड़ी पका देंगे उसमें जाएगा कौन कौन सा एस इक्वल टू C tan psi y equal to C sec psi and x equal to C log of sec psi plus tan psi
आगे बढ़े, इंप्लाइज दैट टेन साई इक्वल्स टू एस वाई सी कॉमन, सेक्स आई इक्वल्स टू वाई बाई सी एंड एक्स इक्वल टू सी लॉन्ग ऑफ सेक्स आई प्लस टेन साई, साई एलिमिनेट कर दो, टेन साई सेक्स आई की वैल्यू यहीं रख दो, बस हो गया। इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई वाई बाई सी प्लस टेन साई एस बाई सी, आ गया ना, दैट इज एक्स इक्वल टू सी लॉग ऑफ वाई प्लस एस अपॉन सी, ये था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन फार्मूली हैं आपकी नजर के सामने, ये आपको याद होना चाहिए। कॉमन कैटेगरी के जब हम एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल शुरू करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, जैसे कि किसी पॉइंट पर वाई वैल्यू में साई निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर लिए, किसी पॉइंट पर साई वैल्यू में एक्स निकालना है तो ये यूज कर लिए, कहीं एक्स वैल्यू में वाई चाहिए तो ये, समझ रहे हैं, ये सब के सब दो दो वेरिएबल में जैसा है, केवल यही तीन वेरिएबल में है, बाकी सब दो दो में है, ये वाई एस में है, एस एक्स में है, वाई साई में है, एक्स साई में है, वाई एक्स में है, एस साई में रिलेशन, तो दो दो में रिलेशन का मतलब है कि कोई एक चीज मालूम है दूसरी चीज निकालना है तो इस फार्मूले का यूज कर लो, कहीं उस फार्मूले का यूज कर लो। तो इतना अगर शुरू में ना ध्यान आवे तो आप एक काम करो, एक सादे शीट पर कागज पर ये फार्मूले लिख करके तब आप एग्जाम्पल्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप उठाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं। हालांकि शुरू में आपको हम समझाएंगे और जब भी हम कैटेगरी के एग्जाम्पल करेंगे तो हम फार्मूले लिख दिया करेंगे, घबरा ना, मतलब तुमको हम सिखा रहे हैं कि तुम कैटेगरी कॉमन कैटेगरी के जब क्वेश्चंस करोगे सॉल्व एग्जाम्पल जो भी बुक तुम्हारे पास है उसमें तो फार्मूले को लिखे रहना कागज में, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, आसानी महसूस होगी। तो मैं समझता हूँ कि यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ मैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यदि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करने के लिए तो इसलिए कहा जाता है कि यूट्यूब से आपके पास एक सूचना जैसी चली जाती है, कुछ एक हल्का सा इशारा सा आ जाता है कि भाई कोई अपलोड हुआ कोई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।